नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनूप दास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम आए हैं अपने घर से काफ़ी दूर बकरी का वीडियो कवर करने के लिए। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बकरी बंधे हुए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, बकरी पालक से मिलने से पहले आप लोगों को बता दूँ, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप लोग तक अच्छा अच्छा जानकारी पहुँचेगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यदि वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो वीडियो के अंत तक बने रहें और बकरी पालक से मिलते हैं, उनसे परिचय लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, कैसे क्या खिलाते हैं, कहाँ चराने जाते हैं, पूरा सारा जानकारी उनसे लेते हैं। तो चलिए अब हम बकरी पालक से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ में हमारे भाई साहब। भाई क्या नाम है आपका, पूरा परिचय, शुभ नाम और क्या बोलते हैं, पूरा एड्रेस बताइएगा। मेरा नाम है आकाश सिंह जी, ग्राम रामडंडा से निवासी हैं जी। मेरे पिताजी का नाम है राम प्रताप सिंह जी। मेरे माँ का नाम है तिलेश्वरी देवी जी। जिला कौन सा है? जिला बलरामपुर है जी। छत्तीसगढ़ राज्य से हैं जी। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने, पढ़ाई कर रहे हैं कि छोड़ दिए हैं? पढ़ाई चल रहा है अभी। कौन क्लास में है? 9th में। 9th में है तो आप बता रहे थे काफ़ी बकरी का पूरा देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। हाँ तो पढ़ाई सभी लोग करते हैं। हाँ तो भाई, घर के जैसे आपके मम्मी पापा सभी लोग करते हैं, तो यानी कि ज़्यादा ध्यान आप भी रखते हैं, आपके मम्मी भी रखते हैं, आप भी रखते हैं ना। हाँ तो इधर चाची का, तो चाची आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिलेश्वरी है। तिलेश्वरी है तो बकरी आपके पास अभी वर्तमान में कितना बकरी है सब मिला के? 10 बकरी है। 10 बकरी है। 10 बकरी है। और ये बताइए कि बकरी पालन कितना साल से कर रहे हैं लगभग, एक अनुमान होगा ना कितना साल से कर रहे हैं? 5-6 साल। 5-6 साल से। तो कितना बकरी से आपने शुरुआत किया था बकरी पालन करना? एक बकरी। हाँ। एक बकरी शुरू किया था, अभी आपके पास 10 बकरी है। हाँ। तो बीच में बकरी वगैरह बेचते हैं कि अभी तक नहीं बेचे? एक बार भी बेचे हैं, एक आठों बकरा बेचते हैं। अच्छा, केवल बकरा को बेचते हैं? बकरा बेचते हैं, बकरी नहीं बेचे हैं। बकरी नहीं बेचे हैं, ठीक ना। अभी यानी कि आगे बढ़ाने का विचार है? आगे बढ़ाने। तो कितना बकरी रखने तक का आपका विचार है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना बकरी रख पाएंगे? हम लोग इतना ही रख सकते हैं। अच्छा, 10 से 11। ज़्यादा नहीं, हम लोग नहीं रखने पाएंगे। ज़्यादा रखने से दिक्कत, परेशानी होता है चराने वराने के लिए? दिक्कत नहीं, चराने जाते हैं, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा चराने लगते हैं। अच्छा, 1 घंटा 1.5 घंटा। चलिए ठीक है। तो अब हम भाई से मिलते हैं, तो ये बताइए कि आप बकरी चराने जाते हैं, घर से कितना दूर जाना पड़ता है बकरी चराने के लिए? जाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, बस यहीं ओ जंगल दिखता है, आधा 1 किलोमीटर। अच्छा, आधा 1 किलोमीटर जो जंगल दिख रहा है दूर में। हाँ। वही दूर में जाते हैं ना। तो ये बताइए बकरियों को आप क्या खिलाते हैं, और जैसे जंगल में तो पत्ती वगैरह खाते हैं, घर में क्या क्या खिलाते हैं? ऊपरी जो दाना वगैरह होता है कुछ खिलाते हैं? दाना है जैसे मकई, बकरे उकरे को खिलाते हैं, और पत्ती होती घास वास। अच्छा, समय समय पर? समय समय पर। हाँ, जब स्कूल जाते हैं तो बकरी पत्ते ही खाते हैं। अच्छा, ये इधर जो डाली वगैरह दिख रहा है सब क्या पत्ती लाला के खिलाए, उसी का है? इसको मत लीजिए। ये इधर आप देख पा रहे हैं सब पूरा बकरी बैठे हुए हैं। तो ये बताइए कि बकरी पालन करते लगभग 5-6 साल हो गया, चाची बता रही थी, तो आप पढ़ाई के साथ बकरी पालन करना आपको संभव हो पाता है कि मुश्किल होता है? हो पाता है, मतलब हमेशा नहीं, जब जैसे सैटरडे हो गया, संडे हो गया। हाँ। समय खाली टाइम होता है। हाँ। तो स्कूल से आने के बाद जो समय बचता है तो थोड़ा सा ले जाते हैं। अच्छा, यानी कि सुबह शाम जैसे आपको समय मिलता है उसके बाद आप चले जाते हैं बकरी चराने। तो बकरी आपका कौन कौन, यहाँ से यही 10 ठो है ना? यहाँ से के वहाँ। अच्छा, ये वाला, तो इसको थोड़ा खड़ा करिए, इसको देखते हैं। ये वाला नहीं है। अच्छा, ये नहीं है, ये वाला। हाँ। इसको खड़ा करिए। ये बकरी और उसका बच्चा दोनों है ना, उसी का बच्चा है, बैठे हैं साथ में। अच्छा, तो ये दोनों को यदि आप अभी अगर बेचने जाएंगे तो इसका क्या दाम रखे होंगे आपने? तो बकरी उकरी तो बेचते नहीं हैं, तो अभी बताए नहीं बेचे हैं, मानी कि बकरी हम लोग बेचबे नहीं किए हैं। अच्छा, बकरी नहीं बेचे हैं, तो फिर भी एक तो अंदाज कितना हो सकता है इसका दाम, जैसे आप लोग यदि खरीदने जाते कहीं पर तो इसका होता ना कुछ दाम, 2000-5000 जो भी है? तो भाई इनको नॉलेज नहीं है कितना क्या है। और ये भी क्या है, ये बकरा है, बकरी है, इसको खड़ा करिए। बकरी है, सब बकरी है। तो बकरा एक भी नहीं है आपके पास? एक दो। कौन सा है बकरा? ये वाला है। अच्छा, ये बच्चा है? ये बच्चा है अभी, वो वाला मानी है। अच्छा, और जो बड़ा बकरा है कौन वाला? ये वाला है। चलिए देखिए,
ये बताइए, बकरी आप 10 बकरी पालन कर रहे हैं तो बकरियों को बराबर जैसे दवा सुई दवा वगैरह करते हैं, टीका वगैरह लगाते हैं, आज तक कभी लगाए हैं? नहीं, लगाने के लिए तो नहीं, जब बीमार पड़ते हैं तभी लगाते हैं। बीमार पड़ते हैं तो जैसे डॉक्टर से लगवाते हैं कि अपने से कुछ दवा वगैरह जानते हैं? डॉक्टर से। तो जैसे वैक्सीन वगैरह आता है बरसात में, जैसे खुरहा चपका हो गया उसके लिए आता है वैक्सीन, तो सबको कभी लगा है? नहीं लगा है? नहीं लगवा है, नहीं लगवाए हैं। बस इसे बीमार हो गया जैसे कुछ, पतला टट्टी वट्टी, हाँ तब वो इसे में लगाता है, सर्दी हो जाता है तब। सर्दी होता है, पतला टट्टी होता है, उस समय लगाते हैं। चलिए अच्छी बात है। और ये बताइए कि जैसे बकरी पालन आप 5 साल से कर रहे हैं तो बकरी से अभी तक कितना फायदा मिला आप लोग को? मिलने के लिए मिल गया है, जैसे साल में एक दो ठे बेचते हैं, ज़्यादा तो नहीं, एक आध दो ठो बकरा बेचते हैं। हाँ तो बकरा का क्या दाम होता है जब बेचते हैं, उसका कितना कितना दाम होता है? ओ तो उसके वजन हिसाब से नहीं, फिर भी जो बेचे होंगे जैसे अंदाज लगभग वही 8-10 हज़ार। 8-10 हज़ार एक एक का होता है। तो सालाना एक ही बेचते हैं कि 2-3 कभी बेचे हैं? जैसे मतलब कि बकरा हो बकरी, मतलब जैसे उसके हिसाब से, उसके हिसाब से। मान के चलिए वाला आपका बकरा है तो उसका अभी क्या दाम हो सकता है? इसका तो ज़्यादा कहाँ देंगे, लगभग 5-6 हज़ार। हाँ 5-6 हज़ार देगा ना। हाँ चलिए, तो इसी हिसाब से यानी कि आप 2-3 जो भी तैयार होता है उसको बेच देते हैं। और ये बताइए कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, बकरी पालन भी कर रहे हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं? करने के लिए किसानी खेती करते हैं। अच्छा, घर का खेती किसानी काम करते हैं। तो बकरी पालन के अलावा और खेती भी करते हैं आप लोग? सब्जी का करते हैं कि धान मक्का वगैरह क्या क्या करते हैं? करने के लिए खाने भर सभी का करते हैं। अच्छा, सभी चीज़ का लगभग थोड़ा बहुत करते रहते हैं। धान खेती तो अभी छत्तीसगढ़ का जानिए रहे हैं। हाँ धान खेती तो है, बरसात में सबसे ज़्यादा हमारे इधर खेती होता है। इधर देखिए इनका छोटा सा घर है, इसी घर में रहते हैं। तो ये बताइए परिवार में आप लोग कितने लोग रहते हैं सब मिला के? 5। तो सभी बाल बच्चे सब पढ़ रहे हैं स्कूल में कि कोई छोड़ दिए हैं? नहीं सब पढ़ रहे हैं। सभी पढ़ाई कर रहे हैं? तीनों पढ़ रहे हैं और खेती किसानी भी करते हैं, साथ में बकरी पालन भी करते हैं। गाय बैल वगैरह नहीं रखते हैं? गाय बैल में फ़ायदा है ज़्यादा कि बकरी पालन में फ़ायदा है, बता पाएंगे? करने के लिए तो दोनों में ही है, दोनों में फायदा है। बैल जो है वो घर में किसानी के लिए, कृषि के लिए कार्य में आते हैं। हाँ और गाय वही दूध के लिए, दूध के लिए। और जो बकरी का जो खाद होता है, गोबर होता है, उसको आप लोग कैसे यूज करते हैं, फेंक देते हैं कैसे? जैसे खेत उत में डालते हैं। हाँ बरसात के समय जी जैसे अभी प्याज आप लगाते हैं तो कोड़ा देने के बाद उसमें डाल देते हैं। तो उसमें जैसे किस खाद का बचत होता है आपको ज़्यादा, जैसे बकरी का खाद डालने से कितना समय तक नहीं डालना पड़ता, फ़ायदा क्या होता है उसमें डालने? उससे फ़ायदा होता है कि उर्वरक खाद तो ऐसे बनता है जी, यूरिया डालने से फिर जब भूमि का नुकसान होता है उसका बचत होता है, यानी कि जमीन को उपजाऊ करता है खेत को। और इससे होता है ये कि इससे प्याज बढ़िया बैठता है, मोटा मोटा बड़ा बड़ा होता है। उसको डालने के लिए डालते हैं लेकिन वो हल्का जी। हाँ तो आप जैसे 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप आगे चल के किस सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, यानी कि किस में आपका ज़्यादा रुचि है? रहने के लिए रुचि है तो अभी कृषि में ही रुचि है। अच्छा, कृषि में ही रुचि है, यानी कि आप खेती बाड़ी से संबंध से जुड़ना चाहते हैं? और ये साइंस में आपका रुचि है। चलिए अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, आप भविष्य में तरक्की करिए। तो ये बताइए कि बकरी पालन आपको जैसे खेती से रुचि है और बकरी पालन में रुचि है, तो आगे चल के कभी आपने सोचा है कि मेरे को बकरी पालन में इसको बढ़ाना है कि क्या करना है, कुछ है प्लानिंग? बकरी पालन में जैसे आपका 10 बकरी है, 10 बकरी से सालाना लगभग कितना का इनकम हो जाता होगा? एक ठे अनुमान वही ज़्यादा तो नहीं, एक मान लीजिए एक ठे बेचते हैं तो वही 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार? हाँ 10-12 हज़ार। और खेती वगैरह जो करते हैं, खेती में काफ़ी मेहनत लगता है, तो उसमें आपको कितना इनकम हो जाता है? उसमें ज़्यादा मेहनत है कि बकरी में ज़्यादा मेहनत है? मेहनत रहने के लिए तो उसी में है, इसमें भी है रहने के लिए। हाँ तो खेती बड़ा काम है तो उसमें ज़्यादा मेहनत है और उसमें मुनाफा भी ज़्यादा। चलिए देखिए दोस्तों, इनका गाय भी है, कितना, 2 गाय है बस? एक गाय है, बछड़ा है। और बकरियों को कहाँ रखते हैं उसको? थोड़ा देखिए बकरियों को जो रखने का, इसको रोज़ दिन साफ़ सफाई करते हैं, कैसे रखते हैं बकरियों को? ये देखिए इसी में रहते हैं बकरियाँ। हाँ ये देखिए छोटा सा जगह है, इसी में बकरियाँ रहते हैं। इधर ये इसमें रहते हैं बकरियाँ कि इधर रहते हैं? इसमें। अच्छा इसमें रहते हैं? इसमें गाय रहते हैं।
अच्छा, इसमें बकरी रहते हैं, इसमें गाय रहते हैं, इनका छोटा सा जगह है, अब धीरे धीरे बढ़ाने का प्लान किए हुए हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बकरियों को देखते हैं, फिर से बातचीत करते हैं। तो ये जो गाय है आपका, देसी गाय है कि जर्सी? देसी गाय है, देसी गाय है। दूध कितना देता होगा, घर में खाने पीने लिए हो जाता सबके लिए? मतलब आधा लीटर, आधा लीटर दूध होता है। आधा तो बहुत कम है, इसको कम से कम 2 लीटर दूध देना चाहिए था। आधा से मतलब शुरू आधा 1 लीटर देसी गाय, समय के हिसाब से और खिलाने पिलाने के हिसाब से। और देसी गाय क्या है कि इसका दूध बहुत मीठा होता है, जर्सी गाय के दूध के हिसाब से काफ़ी फायदा, प्रोटीन इसमें ज़्यादा रहता है। चलिए, आप हमसे बातचीत किए, आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छा जानकारी दिया। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी हमारे चैनल देखते हैं इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।